हिमाचल में होगी इन सात मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधों की खेती। नमस्ते। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर है। अभी अभी 1 जुलाई 2020 को ये न्यूज़ आई है गिरिराज न्यूज़पेपर में कि सात मेडिसिनल प्लांट्स की जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे खेती की जाएगी हिमाचल प्रदेश में, और उसके लिए जो है ये नेशनल आयुष मिशन जो सरकार ने चलाया है उसके तहत 100 लाख रुपए की जो है वो मदद दी जा रही है सेंटर की तरफ से। और इसके तहत जो है वो आई थिंक 140 औषधीय पौधे उगाए जाएंगे, और देश भर में जो है वो कौन कौन से राज्य चुने गए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो हैं इसके लिए जो राज्य चुने गए हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। अब देखिए, ये न्यूज़ में आया है कि आपको जो है ये देखिए, ये बोल रहे हैं देश भर में 140 औषधीय पौधों की प्रजातियों की खेती हेतु किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। और हिमाचल में ये योजना जो है वो राज्य आयुर्वेद औषधीय पादप बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। तो अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो किसानों के पास सामूहिक रूप से मतलब कि क्लस्टर फार्मिंग जैसे चल रही है, क्लस्टर्स बनाने होंगे किसानों को। एक जैसे गांव के 3-4 किसान मिल जाओ और एटलीस्ट आपके पास मिलाकर जो है वो कम से कम जो है आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन होना ज़रूरी है। आगे बोल रहे हैं कि किसी समूह में सदस्य किसान 15 किलोमीटर इलाके में 3 नज़दीकी गांव से भी हो सकता है। किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने रहने या गिरवी भूमि पर भी खेती की सुविधा प्रदान की है। फिर ये बता रहे हैं आपको कि प्रदेश में जिन मुख्य औषधीय पौधों की खेती के लिए किसान को सुविधा प्रोवाइड की जाएगी वो है आपका अतीस, कुटकी, कुट, सुगंध वाला, अश्वगंधा, सर्पगंधा और तुलसी। तो इसके लिए किसानों को अपने जो जिला आयुर्वेद अधिकारी है उसके पास आपको औषधीय पौधों की खेती के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। आपको जो वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियल जो आपको हेल्प है, उसके लिए आपको आवेदन प्रस्तुत करते समय किसानों को विभिन्न औषधीय पौधों की प्रजातियों और काश्त की जाने वाली जमीन के कुल रकबे की जानकारी के अलावा क्लस्टर में शामिल प्रत्येक किसान की संबंधित पटवारी से सत्यापित भूमि की खसरा नंबर सहित स्थिति, खेती के लिए प्रस्तावित खाली जमीन के राजस्व पत्र, साथ ही किसानों के स्थायी पते और संपर्क सहित संयुक्त हलफनामा, केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग, निगम या बोर्ड से कोई वित्तीय मदद न लिए जाने का हलफनामा, स्वीकृत क्षेत्रफल में ही अनुमोदित औषधीय पौधों की खेती करने और निरीक्षण में कोई कमी पाई जाने पर पूर्ण या आंशिक रूप से प्राप्त वित्तीय सहायता को वापस लौटाने का वचन और संबंधित ग्राम पंचायत की सिफारिश या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये सब आपको मैंने सुना दिया ये न्यूज़ में क्या क्या लिखा है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, किसान भाइयों या कोई भी आप में से अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इसे कीजिए, क्योंकि इनकम भी बहुत अच्छी है इसमें। जिला आयुर्वेद अधिकारी उचित सत्यापन के बाद इन दस्तावेजों को राज्य पादप औषधीय बोर्ड को अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो जो सबसे पहला मेडिसिनल प्लांट हिमाचल प्रदेश में कल्टीवेट होगा उसका नाम है अतिस। देखिए, प्रोनाउंसिएशन जो है हर एक की अपनी अपनी होती है, सो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। सो अतिस, जिसे संस्कृत में विषा या अतिविषा नाम से भी जानते हैं, ये जो मेडिसिनल प्लांट है इसे जाना जाता है साइंटिफिक वर्ल्ड में एकोनेटम हेट्रोफाइलम के नाम से। इसकी फैमिली है रैनन्क्युलेसिये। अब देखते हैं ये हिमाचल में कहाँ कहाँ ग्रो होगा। ये ग्रो होगा 4500 मीटर तक की हाइट अबव द मीन सी लेवल वाली जगहों पर। तो ये एरियाज कौन कौन से हैं हिमाचल में, ये हैं चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और मंडी। इसका प्लांटिंग जो टाइम है वो है फरवरी मार्च। जो इसका सीड रेट होगा, आपको चाहिए अगर आप एक एकड़ के हिसाब से देखें तो आपको 400 ग्राम बीज चाहिए इसका। इकोनॉमिकल पार्ट जो है होती है इसकी वो रूट्स होती हैं, और एक एकड़ लैंड में जब आप लगाते हैं तो उससे आपको 120 किलो अतिस रूट्स मिलेंगी आपको, ठीक है। जड़ें जो हैं वो मिलेंगी, 120 किलो जड़ें प्राप्त होंगी, और इसकी जो 1 किलो रूट्स जो जड़ 1 किलो जड़ें हैं उसकी कॉस्ट बाजार में होती है 4000 रुपए 1 किलो की। तो अब आप
एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आपकी 120 किलो पैदावार हो रही है तो आपको कितना जो है वो अर्निंग मिलेगी। इसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो 53,000 तक की आएगी, मगर उसमें भी आपकी जो हिमाचल सरकार है वो हेल्प करेगी और अर्निंग जो है इसमें 5 साल तक में आप कुल तकरीबन 4,30,000 तक कमा सकते हैं। ये देखिए, ये इस अतिस पौधे की ये ट्यूबरस रूट्स हैं, यही हैं जो बाजार में जिसे बेचा जाता है, जो इसका इकोनॉमिकल पार्ट है, और इसी से ही जो है वो जो मेडिसिन है वो बनाई जाती है इसकी। पौधा नंबर 2 मेडिसिनल प्लांट जो दूसरा ग्रो किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में वो है कुटकी। इसे साइंटिफिकली जाना जाता है पिक्रोराइजा कुरुओ के नाम से, और ये प्लांट की फैमिली स्क्रोफुलरेसिए को बिलोंग करता है। ये जो कुटकी मेडिसिनल प्लांट है ये कहाँ कहाँ ग्रो होगा अब हिमाचल प्रदेश में? शिमला में, लाहौल में, किन्नौर में, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा में, इन एरियाज में ये ग्रो होगा। इसका जो प्लांटिंग टाइम होता है वो है जून। सीड रेट होगा इसका एक एकड़ में अगर आप लगा रहे हैं तो केवल 30 ग्राम सीड चाहिए आपको। आउटपुट जो आपको एक एकड़ से मिलेगा वो मिलेगा 375 kg का, और जो 1 किलो का इसका जो मतलब रूट होता है उसकी 1 किलो की कॉस्ट होती है बाजार में 1,000 रुपये। तो आप देखिए, आपको 375 kg अगर 1 एकड़ से मिल रहा है तो आपको कितनी इनकम है। इसके जो पार्ट इकोनॉमिकल पार्ट जो बाजार में बिकता है वो है इसकी जड़ें एंड राइजोम्स। अब आप इसको इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं इसकी, जैसे आपने कहीं आलू लगाया है, ठीक है, उसके साथ आप इस कुट की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। बीच में आप कुट को लगा दीजिए या आप कुट के साथ सौंफ का पौधा भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये फोटो में आपको जो जड़ें दिख रही हैं ये कुटकी की जड़ें हैं और यही जो है बाजार में बिकती हैं। बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी। कुटकी जो हर्ब है उसके बेनिफिट्स ये होते हैं, जैसे आपके लिवर वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। ये आपकी त्वचा को साफ करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, वेट लॉस थेरेपी में यूज़ होता है ये, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एस्थमा एलर्जीज वगैरह में ये काफ़ी प्रयोग होता है। तीसरा मेडिसिनल प्लांट जो हिमाचल में कल्टीवेट होगा उसका नाम है कुट। साइंटिफिकली इसे जाना जाता है सैसुरिये लापा के नाम से और एस्टरेसिये फैमिली को ये बिलोंग करता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पिति, कुल्लू और कांगड़ा जिला में ये ग्रो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे चाहिए हाइट अबव मीन सी लेवल कितना होना चाहिए, 2000 से लेके, ठीक है, 3500 मीटर तक की हाइट अबव द मीन सी लेवल चाहिए, उन जगहों पर ये ग्रो करता है। तो इसीलिए किन्नौर, लाहौल स्पिति, कुल्लू, कांगड़ा जैसी जो जगहें हैं वो इसे ग्रो करने के लिए चुनी गई हैं। इसे अप्रैल मई में लगाया जाएगा। सीड रेट इसका जो है वो 1500 ग्राम होगा पर एकड़। आपको 2 साल के टाइम स्पैन में 1400 किलो ड्राइड रूट्स मिलेंगी। इसकी भी जो जड़ें ही हैं वही है इसका इकोनॉमिकल पार्ट, वही है जिसमें की मेडिसिनल वैल्यू होती है जो बाजार में बिकती है। और आप देख लीजिए, 1 किलो जो इसकी रूट्स हैं उसकी बाजार में कॉस्ट है 240 रुपए। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह की इसकी जड़ें होती हैं, ये इसका इकोनॉमिकल पार्ट है, कुट जो भी आप बोल लें। और ये बहुत सारी जो है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि एंटीवायरल एक्टिविटीज़ हैं इसकी, एंटी अल्सर है, एंटी कैंसर है, तो इसकी खेती भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। पौधा नंबर 4 मेडिसिनल प्लांट नंबर 4 है सुगंध बाला, जिसे तगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है वैलेरियाना जटामानसी और ये वैलेरियनेसी के फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक है। हाइट अबव द मीन सी लेवल जहाँ ये ग्रो होगा, कितनी हाइट पे ग्रो हो सकता है, 2500 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में ये ग्रो होगा। और इसीलिए इसके लिए जो एरियाज तय किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में वो हैं शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर। इसका जो सीड रेट है वो होगा 350 ग्राम पर एकड़। प्लांटिंग टाइम इसका जून है और इस क्रॉप को तैयार होने में 3 साल तक लग जाते हैं। इसमें जो है ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है सुगंध बाला का पौधा, क्योंकि इसकी जो स्टेम है उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो इसकी जो स्टेम और इसकी जो रूट्स हैं वो बाजार में जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल है। इस तरह से ये तगर पौधे की जड़ें हैं ये, और ये बाजार में बिकती हैं। और ये देख लीजिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करती है ये,
स्किन डिजीजेस जैसे कि एक्जिमा जैसे स्किन डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करती है, एस्थमा को क्योर करने में हेल्प करती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो, इंसोम्निया हो किसी को, उसमें ये इस इन जड़ों का जो है वो उपयोग किया जाता है। पौधा नंबर 5 है अश्वगंधा। इसके बारे में मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है वो तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक दे दूंगी उसका, आप देख सकते हैं। साइंटिफिक नेम इसका जाना जाता है ये विदानिया सोमनीफेरा के नाम से। सोलेनेसिए फैमिली को बिलोंग करता है। अप टू 1400 मीटर हाइट अबव द मीन सी लेवल ये ग्रो होगा, इसीलिए इसके लिए एरियाज जो हैं शिमला वगैरह एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है ज़्यादा ऊंचाई, क्योंकि इसे थोड़ी गर्माइश चाहिए। आप वो वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पौधा उगाया जाता है। तो ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर ये जगहें इसके लिए रखी गई हैं। सीड रेट इसका बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब 8 ग्राम पर एकड़ केवल। प्लांटिंग टाइम इसका जून जुलाई है, ठीक है। ये क्रॉप 6 माह में रेडी हो जाती है और इससे जो है वो 12,000 रुपये पर एकड़ आप कमा सकते हैं विद इन 6 मंथ। पौधा नंबर 6 है सर्पगंधा, साइंटिफिकली जिसे हम बोलते हैं रोवोल्फिया सर्पेंटीन, और फैमिली है इसकी इपोसाइनिस, ठीक है। हाइट अबव द मीन सी लेवल 1800 मीटर हाइट अबव द मीन सी लेवल ये ग्रो होगा। तो इसके लिए जगहें जो एप्ट हैं इसको ग्रो करने के लिए वो है कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर। सीड रेट इसका आप किलो में आ गया, ये ज़्यादा चाहिए, 1.25 किलो पर एकड़ इसका सीड चाहिए सर्पगंधा को उगाने के लिए। प्लांटिंग टाइम जुलाई से अक्टूबर तक कभी भी इन जगहों पे ये ग्रो हो सकता है। आउटपुट मिलता है इसका 300 किलो पर एकड़ और इसकी 1 किलो की जो रेट है मार्केट में वो है 900 रुपये। सर्पगंधा की जो जड़ें हैं वही हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैक्सिमम जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में ही जो है वो सारे एल्कलॉइड कंटेंट्स होते हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यू होती है जिनकी। तो आप देख सकते हैं ऊपर फोटो में कैसी इसकी जड़ें हैं और यूजेस इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया जैसी खतरनाक बीमारियों को, एपिलेप्सी, इंसैनिटी जैसी खतरनाक बीमारियों को ट्रीट करने में ये सर्पगंधा पौधा बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजफुल है। और रूट्स के इसके लीव्स भी काम आते हैं, ठीक है। और ये जो है एक एंटी हाइपरटेंसिव एंड एज अ सिडेटिव भी ये यूज होता है। आखिरी पौधा जो हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा मेडिसिनल प्लांट जिसकी कॉमर्शियल स्केल पर कल्टीवेशन होगी वो है तुलसी। साइंटिफिक नेम है तुलसी का ऑसिमम टेनिफ्लोरम, इस या ऑसिमम सैंक्टम भी कहते हैं। फैमिली इसकी है लैमेसिए और जहाँ जहाँ ये ग्रो होगा वो है 900 मीटर हाइट अबव द मीन सी लेवल जो है जिनकी इतने तक की ऊंचाई पे जो इलाके हैं वहीं ये ग्रो करेंगे कॉमर्शियल स्केल पर। कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर और मंडी आता है इसमें। सीड रेट इसका चाहिए आपको केवल 120 ग्राम पर एकड़ और ये केवल 95 डेज लेगा टू मेच्योर और इसका आउटपुट आपको मिलेगा 5 क्विंटल ड्राई मटीरियल मिलता है आपको पर एकड़ और इससे आपकी इनकम हो जाएगी लगभग 25,000 रुपये तक। तो ये 7 पौधे औषधीय पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में उगाए जाएंगे। कॉमर्शियल लेवल कॉमर्शियल स्केल पे इनकी खेती की जाएगी और जिससे कि किसानों को भरपूर फायदा भी होगा बहुत ज़्यादा। तो आप में से जो भी है इंटरेस्टेड वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदा से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें कांटेक्ट कीजिए और इसकी प्लांटेशन शुरू कर दीजिए।